नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्दी जानकारी पर। दोस्तों, क्या आप भी घर में, गार्डन में या फिर आपके घर के आसपास लगे मधुमक्खी के छत्ते से परेशान हैं और इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, मधुमक्खियों को भगाना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको मधुमक्खियों को भगाने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जो आपको आपकी इस समस्या से निजात दिला सकता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं कि आप मधुमक्खियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मधुमक्खी हो या फिर तैतैया, ये अपना छत्ता एकांत स्थान पर लगाना अधिक पसंद करते हैं। अक्सर आपने भी यह जरूर देखा होगा कि जिस स्थान पर इनका छत्ता लगा होता है वह काफ़ी एकांत अथवा कम प्रयोग होने वाली जगह होती है, या फिर जहां नियमित रूप से सफाई नहीं होती, ऐसे स्थानों पर भी मधुमक्खी या तैतैया अपना छत्ता बना लेते हैं। इसलिए घर या फिर घर के आसपास के सभी हिस्सों की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नियमित रूप से नहीं कर सकते हैं तो हर 2-3 दिन बाद सफाई ज़रूर करें। ऐसा करने से आपको मधुमक्खियों के छत्तों से छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही सफाई न रखने की वजह से फैलने वाली अन्य बीमारियों से भी बचाव होगा। घर में या फिर घर के आसपास लगे मधुमक्खी के छत्तों की वजह से अक्सर मधुमक्खियों के काटने का भय बना रहता है और बहुत बार तो मधुमक्खियों के काटने का सामना भी करना पड़ जाता है। ऐसे में मधुमक्खी के डंक के कारण बहुत अधिक दर्द होता है, साथ ही काटने वाली जगह पर सूजन भी आ जाती है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप समय रहते ही इस परेशानी से छुटकारा पा लें, मधुमक्खी के छत्ते को वहाँ से हटा दें। दोस्तों, मधुमक्खी को भगाने का कार्य उतना आसान नहीं है। ऐसे में हमारी आपको सलाह है कि वीडियो में बताए गए उपाय किसी जानकार व्यक्ति की देखरेख में ही करें, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएं जो इस धंधे में हो, क्योंकि जरा सी गलती से भी आपको मधुमक्खी काट सकती है और ऐसा होना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, मधुमक्खियों को उनके छत्तों से भगाने का सबसे सटीक उपाय है लोबान का धुआं। अगर आप पर लोबान मौजूद ना हो तो ऐसे में आप धुआं करने के लिए नीम की पत्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। लोबान अथवा नीम की पत्तियों का धुआं अगर मधुमक्खी के छत्ते के पास करें तो वे बेहोश होकर गिरने लगती हैं और आसानी से छत्ते से दूर हो जाती हैं और किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचा पाती, लेकिन धुएँ का असर ख़त्म होने पर वे नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसलिए तब तक धुआं करते रहें जब तक सारी मधुमक्खियां भाग न जाएं। धुआं करते समय अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। धुएं के अलावा आप मक्खियों और कीड़े मकोड़े भगाने वाले स्प्रे का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय भी अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। ऐसे में सतर्क रहें, अगर वे आपको नुकसान पहुंचाने वाली जगह हैं तभी उन्हें भगाने की सोचें, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।